नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक बात बताऊंगी। वो बात है, आप लोग सब्सक्राइब जब करोगे और बेल आइकन जब दबाओगे, एक ही बार दबाओगे, लेकिन लाइक और शेयर एंड जो कमेंट देते हो वो हर वीडियो में करना। तो ध्यान रखना, सब्सक्राइब और बेल आइकन एक बार, तभी आपके पास नया नया वीडियो पहुंच पाएगा। नमस्ते दोस्तों, ये देखिए, आज एक डिश बनाऊंगी। ये काबुली चना है, रात को भिगा कर रखी थी, अभी इसको उबलने के लिए देना है। देखिए, ये जो डिश बनेगा इसके लिए मटन कीमा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही हो जाएगा। इसको दो सीटी देना है और उस तरफ काबुली चना वो स्टीम हो रहा है। आगे दिखाती हूँ, काबुली चना अभी स्टीम हो रहा है। दोस्तों नमस्ते, आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी काबुली कीमा। तो आप चिकन कीमा भी ले सकते हो, मटन कीमा भी ले सकते हो, लेकिन मटन कीमा से बढ़िया बनता है, ज़्यादा स्वाद में। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने सुबह दिखाई दिया था, काबुली चना मैंने उबल लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं सीटी देना, मतलब खड़ा रहे लेकिन अंदर से पका हो। देखिए, मैंने उठा के रखा, देखिए अंदर से पक गया है लेकिन खड़ा था, ठीक है, ऐसे करना। और ये जो कीमा है मैंने वो भी दो सीटी दे दिया। तो चाहिए नमक, खड़ा मसाला में चाहिए सफ़ेद जीरा छौंक के लिए, और चाहिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और प्याज पेस्ट, टमाटर पेस्ट, अदरक कद्दूकस कर लिया मैंने, और थोड़ी सी लहसुन क्योंकि मटन है इस वजह से। तो और गरम मसाला, देखिए इतना सा मैंने जो भिगोया चना उसके लिए इतना सा गरम मसाला सही है, पाउडर करके दिखाऊंगी। एक दो लौंग, एक इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, तो ये पाउडर कर लेना। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। कढ़ाई में तेल रखा, सरसों का तेल, तेल काफ़ी गर्म हो गया, तो मैं पहले इसको भून देती हूँ। ज़्यादा प्याज मत दीजिए, ज़्यादा प्याज देने से प्याज प्याज करी वही लगता है। आजकल तो कोई एक सब्जी से नहीं खाते, दो सब्जी कम से कम चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादा प्याज हमें नहीं चाहिए। यही अदरक लहसुन मैं दे दूँगी, आप चाहे पेस्ट करके भी दे सकते हो, लेकिन ये आराम से कुक हो जाएगा। एक्चुअली कारण ये है, आप लोग सोचते होंगे कि मैं लहसुन पेस्ट करके क्यों नहीं देती, ज़रूरत होने पर ज़रूर देती, लेकिन हमारे घर में जो है, हम लोग का जो ख्याल है, लहसुन पेस्ट करके देने से सब्जी जब बनता है इसको गुरुपाक हो जाता है। गुरुपाक मतलब ज़्यादा लगता है, ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा लिया। अगर चॉप करके दोगे या मटर में मैंने दिखाया पूरा साबुत, वो देने से लहसुन का गुण भी रहता है और गुरुपाक भी नहीं होता है। अभी मैं दूंगी हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा तीखा होने से अच्छा लगेगा। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। तो ये हो गया मसाला, अभी इसको भूनना है। तो गुरुपाक बोलते हैं बंगाली में हम लोग, इंडाइजेशन लगता है ना दोपहर को कुछ रिच खाने से, तो हम लोगों को लगता है, शायद सबको नहीं लगता, तो इसलिए हम चॉप करके देते हैं या साबुत दे देते हैं, तो खोल के खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ये जो कीमा है ये दे दूंगी, ये ऑलरेडी कुक है, ज़्यादा कीमा मत दीजिए, फिर तो कीमा का सब्जी बन जाएगा। कीमा देने का मतलब है खाने में स्वाद और बढ़ता है, ये काबुली में स्वाद और बढ़ता है, बढ़ जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। तो इसको दो तीन मिनट भूनने दीजिए। अभी मैं नमक दूंगी, छोले में मैंने थोड़ा सा नमक दिया था, मतलब नाक के बराबर, ये आप लोग हिसाब से देना, देखे ना, ये टमाटो जो पेस्ट है ये दे देना, या टमाटो प्यूरी जो भी दो, लेकिन वो खरीदा हुआ टमाटो प्यूरी देने से उसमें नमक होता है कि नहीं पता, तो आप लोग हिसाब करके देना, जब बनाओगे अपना भी कुछ हिसाब होता है, तो टमाटर को भी थोड़ा पकाना है।
कच्चा कच्चा नहीं होता, इसमें बदबू आएगा। देखिए पूरा भून गया है मसाला, और जो कीमा का जो पानी है वो फेंकना नहीं, छोले का पानी कीमा का पानी फेंकना नहीं, सारा विटामिन निकल जाएगा, उसके साथ दे देना। देखिए अभी तेल छोड़ दिया ना, मतलब सारा मसाला भून गया, अच्छी तरह से पक गया है। अभी आँच धीमा करिए, जो चना ये आप धीरे धीरे दे दीजिए। देखिए थोड़ी देर ढक दीजिएगा, ये पक गया है। अभी एक चम्मच काऊ घी मैं दे दूंगी, मटन है नॉनवेज है ये, इसलिए अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग चिकन मटन में घी देते हैं एक चम्मच जरूर। देने के बाद थोड़ी देर रुक के आप जो गरम मसाला मैं पाउडर करके लाई थी वो मैं दे दूंगी ऊपर से। देखिए देखिए तुरंत गैस बंद कर दीजिए, साफ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए काबुली कीमा बन के तैयार हो गया, लग रहा है अच्छा बना है, तो आप लोग जरूर बनाए जैसे मैंने बोला है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।